कानपुर चकेरी थाना कमिश्नरेट से बड़ी खबर। मुखबिर की सटीक सूचना पर कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर। कानपुर चकेरी थाना कमिश्नरेट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस से कानपुर सप्लाई के लिए लाए जा रहे हैं मादक पदार्थ के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रोडवेज बस से लखनऊ के रास्ते कानपुर में तस्करी के लिए गांजा लाया जा रहा है। पुलिस व सर्विलांस टीम ने बस में छापा मारकर सभी 5 अभियुक्तों को 50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम आशु, महेंद्र, राजेश, सुरेंद्र समेत अवधेश को गिरफ्तार किया है। ये सभी लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रहे थे। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि ये एक सक्रिय गैंग था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर नगर से संवाददाता संदीप यादव की खास रिपोर्ट। सर, चकेरी पुलिस ने जिस तरीके से मादक पदार्थ के सप्लायर थे एक बड़ा शिकंजा कसा है, क्या कार्रवाई हुई, क्या माल बरामदगी है? मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायत इस क्षेत्र में मिल रही थी और चकेरी पुलिस द्वारा ये अच्छा काम किया गया और 5 ऐसे तस्करों को, मादक पदार्थों को बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 51 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और अब इनके खिलाफ और पुख्ता साक्ष्य संकलन किया जा रहा है जिससे कि इनको कोर्ट से सजा